मैं डॉक्टर पारुल राज ने, डायरेक्टर ऑफ द परसू लक्ष्मीबाई मार्ग मैरिस रोड से। और जैसे कि आज 8 सितंबर को हम वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे के रूप में इसे मनाते हैं, और आज मैंने अपने क्लिनिक पर एक फ्री कैंप का आयोजन किया था जिसमें मरीजों की संख्या अच्छी खासी रही। और जैसे कि वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे पर आज की हमारी थीम है ऑस्टियो आर्थराइटिस। ऑस्टियो आर्थराइटिस को हम डीजेनरेटिव डिसीज़ के नाम से भी जानते हैं, और इसमें हमारी फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। और फिजियोथेरेपी, अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस हमें सही टाइम से पता चल जाए, तो इसमें हम बहुत अच्छे से प्रिवेंट कर सकते हैं, इसकी रेंज ऑफ मोशन मेंटेन कर सकते हैं। और ऑस्टियोआर्थराइटिस का मेन जो सबसे बड़ा सिम्टम होता है पेन, और ये एक मैकेनिकल पेन होता है जो आपके पोस्चरल, आपके मूवमेंट के साथ साथ बढ़ता है और रेस्ट करने पर ही ठीक हो जाता है। इस तरीके के पेन को हम फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के द्वारा मेंटेन रख सकते हैं, तथा अदर उसके साथ जो भी सिम्टम्स बढ़ते हैं उनको हम रेंज ऑफ मोशंस और ये सारे चीज़ें मेंटेन कर सकते हैं। तो फिजियोथेरेपी का जो सर कि हमारी आज थीम है ऑस्टियोआर्थराइटिस, उस पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। और इन चीज़ों से हम, जो कि नी रिप्लेसमेंट है, नी सर्जरी है, इनसे हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं अगर उसको सही टाइम पर और सही सिटिंग ली जाए। और आफ्टर नी रिप्लेसमेंट भी फिजियोथेरेपी का इसमें बहुत बड़ा रोल है। मैडम, जिस तरह से आपके उसको देखते हुए दिल्ली और आगरा लोग जाते हैं, उन सब की इलाज अब तो आपके यहाँ ही है, क्या कहना चाहिए? हाँ, मैंने यहाँ पर अपने एडवांस टेक्निक के साथ सारी मशीनें रखी हैं, जो कि है ना, आपको अलीगढ़ में शायद ही किसी के पास होगा, जैसे कि सस्पेंशन थेरेपी है, मेरे पास टिल्ट टेबल है, और मैं इसमें जैसे कि सब कुछ एडवांस लेकर आई हूँ, माइक्रोवेव, लेज़र थेरेपी, शॉक वेव थेरेपी, सभी चीज़ों को हमने इसमें इंक्लूड करा है। जो आप अलीगढ़ के पेशेंट को दिल्ली मिलता था, वो सभी मैंने अलीगढ़ लाने की कोशिश करी है। बाकी आप जैसा राय देंगे, बस सभी चीज़ों को अवेलेबल कराने की कोशिश पूरी करूंगी मैं रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाने की। से अलीगढ़ की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहिए? मैं तो यही चाहूंगी कि अलीगढ़ की जनता बिल्कुल पेन फ्री, मस्त रहे, फिट रहे, स्वस्थ रहे।